been living life right, like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I want to visit. Are you alive or just breathing? Cause I've been living life right, like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I want to visit. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's you could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody and stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Look for change, look for plan. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go with your name. I'll be the best above all the rest, put me to the test. Expect nothing less, you check his chest. The venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. No focus, no reason, just pulling obsession. I'm in his possession. You got your attention, I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. But you're never gonna beat me. The other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज मैंने आप सब ड्रेस पहन लिया है फाइनली। तो आज हम जा रहे हैं, जो बर्थडे के कार्ड है तो हमारे रिलेटिव है और थोड़े से फ्रेंड्स है जो कि बहुत खास है, तो उनको खुद में पर्सनली घर पे देने के लिए जा रही हूँ। और ये मेरी ड्रेस देखे कैसी लग रही है, तो आज मैंने सोचा कि चले अब मैं पहन ही लेती हूँ। वैसे भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि आप वाइट ड्रेस नहीं पहन रही, तो फाइनली इन ड्रेस के साथ मेरे पास फिर मैचिंग की ना सैंडल वगैरह नहीं थी, तो सारी चीजें मैंने पूरी कम्प्लीट की। तो उसके बाद मैंने कहा कि चले अब आज पहन ही लेती हूँ फाइनली। तो मुझे कमेंट्स करके बताना कि कैसा लग रहा है मेरा ड्रेस, मुझ पर कैसा लग रहा है। वैसे ड्रेस तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे काफी अच्छा लग रहा था। और ये मेरी सैंडल भी बिल्कुल न्यू है, क्योंकि मेरे पास सिल्वर की कलेक्शन नहीं है, वाइट थी तो वो वाइट बट ना बहुत ज्यादा छोटी थी और छोटी के बहुत ना ओल्ड हो चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा कि इसके अंदर सिल्वर टच है तो सिल्वर ही पहनती हूँ। इस चीज है ना इस ड्रेस में, पता क्या वो मेरा ना बैग है, क्लच स्टाइल का एक पर्स है मेरा, तो जो मुझे बहुत प्यारा लगता है, मैं दिखाती हूँ आप लोग को, तो इंशाल्लाह आप लोग को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ये जो चप्पल के इस तरह के हुक होते हैं ना। और आज एक चीज मिस हो गई, नील पैंट, जो कि मेरे बच्चे मेरे घर में रहने ही नहीं देते। तो ये देखें इतना जबरदस्त का ये कलर है, और ये देखें ये भी मैंने, हाँ ये ब्लू कलर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, कितना प्यारा लग रहा है ब्लू कलर। वैसे तो मुझे इसी कलर की ड्रेस बनवानी थी, बट मुझे ना इस कलर की कोई सही मिली नहीं, तो फिर मैंने अपनी ड्रेस किसी और कलर के लिए, तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये सारी चीजें मैंने आज के दिन के लिए रखी थी, तो मैंने सोचा था कि जब मैं कार्ड देने के लिए जाऊंगी तो इसके अंदर एक ये लॉन्ग चेन भी है, बट मैं लॉन्ग चेन यूज नहीं करती, मुझे शॉर्ट वाली ठीक रहेगी। ये देखिए इसमें ये शॉर्ट भी है, तो मैंने यही सोचा है कि मैं इस पर शॉर्ट में उठाऊंगी, तो ये देखिए तो ये मेरे शलवार वेयर की है। वैसे मैं ट्राउजर यूज करती हूँ, तो आज मैंने शलवार यूज की, तो बहुत ज्यादा अजीब फील लग रहा है, शलवार बहुत ज्यादा लूज होती है ना। तो ये बैग देखे कैसा लग रहा है। तो कार्ड मैंने ना जितने मतलब थे तो उन सबके नाम भी लिख लिए हैं और कार्ड रेडी कर लिए हैं। हाँ तो अब हम निकल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा लेट हो चुका है, तो फिर क्योंकि इतना ज्यादा लेट, तो पर्स भी हो गया मेरा और मेरी
बड़ी मुश्किल से इसके बेल्ट लगते हैं और कार्ड भी मैंने रेडी कर दिए क्योंकि एक दिन तो सबके यहाँ पे तो जाया नहीं सकते, जितनी जगह पे जाना है तो उस हिसाब से मैंने कार्ड उठा लिए हैं। तो बच्चे जो है ना खुशी के मारे पहले से जा रहे हैं, हम कार्ड देने चलेंगे तो शीशा भी बहुत ज्यादा हो चुकी हूँ और ना जितना मेरा जल्दी निकलने का सोचते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा लेट हो जाता है क्योंकि मेरे हस्बैंड को आदत है लेट करने की, वो जॉब पे गए थे ना इसी वजह से, तो वो जॉब पे गए थे इसीलिए लेट हो गए। और दुपट्टा और सूट कैसा लग रहा है सही ठीक ठीक से बताना कि शलवार सूट मुझे अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक और स्टिच करके रखा है ड्रेस ना, वो मैंने सोचा है कि मैं संडे के दिन पहनूंगी। तो वैसे मुझे जो है शलवार बहुत ज़्यादा लूज लगती है, अनकम्फर्टेबल फील होता है, ज़्यादातर टाइस पहनने की आदत है और ऑलरेडी टाइम हो चुका है 8:30 तो अब मुझे निकलना चाहिए। तो बाकी की बातें करते हैं हम लोग आके। हाँ तो जी हम कार्ड ना सबको इन्विटेशन दे के आ चुके हैं, तो बस ना पूछो ही मत, इतनी थकन हो जाती है ना क्योंकि एक दिन में इतनी सारी जगहों पे जाना, ऊपर से सीढ़ियों वाले स्टेप वाले घर होते हैं ना, तो बस ना मुझे अब पता चला कि ना लोग क्यों कहते हैं कि यार शादी करना इतना आसान नहीं है। तो देखिए मुझे बस खुद को बस शौक होगा, हालांकि ना लोग आजकल जो है ना व्हाट्सएप पे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन मुझे खुद को बहुत ज्यादा शौक था कि ना मैं कार्ड छपवाऊँ और मैं खुद ना खुद देने जाओ, क्योंकि थोड़े से कुछ ना रिलेटिव ऐसे होते हैं ना जिनको खुद जाके बोलना अच्छा लगता है और जब तक कि हम उन्हें खुद नहीं बुलाते हैं ना तो फिर वो बुरा मान जाते हैं क्योंकि हर कोई फोन पे एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैं तो हर किसी का एक्सेप्ट कर लेती हूँ, मुझे कोई भी फोन पे कहता है तो मैं कहती हूँ नहीं ठीक है चलो हो गया जी, क्योंकि आजकल के दौर में ना टाइम इतना तेजी से दौड़ा ना, टाइम निकालना टाइम इज मनी, तो टाइम निकालना तो मुश्किल हो जाता है ना कि बस। तो अक्सर मेरे हस्बैंड तो ये कहते हैं अक्सर, कभी कभी मैं उनको कहती हूँ ना यार कभी थोड़ा मुझे भी टाइम दिया करो, तो वो मुझे कहते हैं मुझे पैसे दो कि जो मैं तुम्हें टाइम दूंगा, एक एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती है। तो वाकई उनकी बात सच है और अब तो ये तो दुनिया का दस्तूर है, वक्त के साथ चलना चाहिए। तो फाइनली मैं कार्ड दे के आ चुकी हूँ, जिन जिनको देने थे मैंने दे दिए। तो बाकी के जो आधे कार्ड थे ना, बाकी के बहुत आधे जो मेरे रिलेटिव है ना जो कि रह गए ना, तो उनको तो मैंने तो अपनी मम्मा से कह दिया कि भाई आप खुद जाके दे लो। और बाकी की बात ये कि टिकटॉक पर सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे क्या हमारा कार्ड का है हमारा कार्ड का, तो फिर सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपकी और मेरी कभी मुलाकात हुई नहीं हुई है, आपकी मेरी फ्रेंडशिप है बिल्कुल भी नहीं, तो मैं आप लोग के यहाँ कार्ड देने कैसे आ सकती हूँ। तो खैर मुझे पता है सब लोग मजाक करें, लेकिन मैं भी ये मजाक नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल भी मैं आप लोग के यहाँ कार्ड देने के लिए नहीं आ सकती। और फैमिली पार्टी है तो बिल्कुल आप आए अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि हम भी किसी की फैमिली है, तो आप भी आए अपनी फैमिली के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, तो बिल्कुल आ सकते हैं। और पोर्ट ब्लेयर माशाल्लाह से ऐसी जगह है ना कि वहां पे कोई भी आ सकता है, मैं किसी सकती। तो बस ना बहुत ज्यादा तो थक गए, एक तो मैं ना नई सैंडल की वजह से बहुत ज्यादा थक गई, क्योंकि नई सैंडल पहनी थी तो ये इसके जो ये नागे ना मुझे बहुत ज्यादा पाँव में चुभ रहे थे, मैं बिल्कुल चल ही नहीं पा रही थी, लेकिन फाइनली काम हो गया। तो अब छोटी छोटी सी शॉपिंग रह गई है, तो छोटी छोटी सी शॉपिंग रह गई है उसे कंप्लीट करो। तो सब लोग कह रहे हैं क्या लोग हमें कह रहे हैं आप लोग पागल पागल तो नहीं, आप लोग शादी कह रहे हो जो इतना कर रहे हो, शादी वादी करने का नहीं होता, बस एक खुशी होती है, खुशी का इजहार होता है। कल आप लोग यकीन करें कल मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, पूरी रात में जगी हूँ और अब तक जगी हूँ, मैं एक मिनट भी नहीं सोई हूँ, सुबह एक दो मिनट लेटी तो मच्छरों ने मुझे काटना स्टार्ट किया, तो फिर तो मैं सोई नहीं। रात को मैं बर्थडे के सॉन्ग सुन रही थी, तो बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे सॉन्ग थे और उसमें फीलिंग भी अच्छी आ रही थी, तो बस फिर नहीं सोई, बस खुशी होती है ना। अब हमारी खुशी है बच्चों की जो खुशी है, क्योंकि ये मेरे बच्चों का खैर अभी भी उनका बचपन है, सुहाना काफी जब छोटी थी ना तब से उसका सपना था, आज सुहाना को अपनी ड्रेस दिखानी थी, बट सुहाना ने सख्ती से मुझे मना किया कि मामा आप मेरी ड्रेस मत दिखाना, मैं अपने हाथों से अपनी ड्रेस दिखाऊंगी। तो सुहाना सो चुकी है, तो अब इंशाल्लाह सुहाना कल उठेगी तो कल अपनी ड्रेस सुहाना को, मेरी ड्रेस के लिए आप लोग सब जो इतनी सारे वो रख रहे हैं ना क्या कहते हैं दिल से वो रखते हैं क्या कहते हैं, हाँ फिर जो भी कहते हैं दिल से जो भी आप रख रहे हो ना, तो मेरी ड्रेस को इतनी खास ड्रेस नहीं मेरे पास सिंपल, तो पार्टी में जो सबसे सिंपल ड्रेस है ना वो मेरी ड्रेस है सबसे सिंपल, क्योंकि मैंने खुद ने सिंपल सोबर ड्रेस चूज की थी, सबसे पहले मैंने ले ली थी और मेरे बाद सबों ने ड्रेस ली है, तो जाहिर सी बात है अब घर में एक बंदा ले लेता ना तो दूसरा सोच रहा होता मैं इससे थोड़ा कुछ डिफरेंट हूँ और थोड़ा ज्यादा, फिर तीसरा लेता है तो उससे डिफरेंट, तो इस तरह करते फैमिली मेम्बर से सबके ड्रेस एक से एक है, अच्छे ड्रेस बनाए सबों ने, यहाँ तक कि जितने हमारे जेंट्स है उन सबके भी और जितनी हमारी लेडीज है सबों ने इस बार खर्चा किया है, क्योंकि हमारे घर में फर्स्ट खुशी आ रही है। और ना
अगर आप लोग का साथ रहा ना तो इंशाल्लाह ताला ऐसी खुशियां आती रहेंगी और हम मनाते रहेंगे। तो ऐसी खुशियां आती रहेंगी। मुझे ना वैसे मेरे ड्रेस के लिए ये कलर चाहिए था, देखिए ये कलर ना मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे ये कलर चाहिए था पर मुझे ये कलर मिला नहीं। तो सबसे पहले ये पर्स मैंने ले लिया था, फिर मैंने कहा कि अब मैं इसी कलर का ना लहंगा बनवाऊंगी, तो फिर मुझे ये कलर मिला नहीं, मुझे नहीं मिला। फिर मैंने दूसरे कलर का लहंगा बना लिया, लेकिन फिर कोई बात नहीं। तो अब 20 तारीख आने वाली है, तो इंशाल्लाह ताला 20 तारीख जल्द से जल्द, और ऐसा लग रहा है कि अब टाइम जल्दी से भागेगा। वैसे कहते हैं कि वक्त गुजरता है पता नहीं चलता, लेकिन वक्त गुजरता है ना, उनसे पूछो जो किसी का इंतजार कर रहे हो तो उनको पता चलता है, उनका वक्त काटे ही नहीं कटता। तो फिर सबके अपने अपने नज़रिए हैं, अपने अपने नज़रिए, अपनी अपनी बातें हैं। तो बस आज का कार्ड तो माशाल्लाह से अच्छा था, और सब लोग को कार्ड बहुत बहुत पसंद आया। तो जिन्होंने मेरा कार्ड पसंद किया और अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। इतनी छोटी सी खुशी है, लेकिन तो अपनी खुशी को बड़ा बना के मना रही, हालांकि सब लोग कह रहे हैं क्या है, तो इतना है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दिल तो करता कि मैं जीऊँ, लेकिन फिर कोई बात नहीं, खुशियाँ वैसे ही बांटने से बढ़ती हैं। तो आप सब लोग के साथ मैंने शेयर किया, इस बार बिल्कुल सही से शेयर किया। हर कोई मुझे पूछता रहता है कि आपकी पार्टी में आपके व्यूवर्स आएंगे, तो मैंने कहा कि मैंने तो सबको फैमिली, तो बट अब जो उसका नसीब जो ना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आएंगे तो वो हमारा व्लॉग एंजॉय करेंगे, लेकिन व्लॉग डलेगा एक दिन के बाद, क्योंकि व्लॉग मेरा अक्सर लेट आता है, जो व्लॉग जाहिर सी बात है एक दिन लग ही जाता है। तो आप लोग व्लॉग देख के एंजॉय कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, व्लॉग इंशाल्लाह ताला मैं कंप्लीट ही डालती रहूंगी। पिछले बार जब हम टूर पे गए थे तो मैंने काट के हमारा 12-13 दिन का टूर था, बता सको 6-7 पार्टी बना थे, लेकिन इस बार नहीं होगा। इस बार जितनी लंबी वीडियो होगी तो इंशाल्लाह मैं डालती रहूंगी, लेकिन पार्टों का मकसद ये भी होता है ना कि पार्ट आप लोग भी देखते ही, एक जैसी ड्रेस देख लेते हो ना तो दोबारा उसी ड्रेस में ना आप अगला पार्ट। तो आज का व्लॉग यही था, और बताना कि मेरी स्टिच की ड्रेस आप लोगों को कैसी लगी। तो आज का व्लॉग यही था, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।